यदि कोई पीड़ित है उसे न्याय मिलना जरूरी है। न्याय के अपने अपने आयाम हैं, अपने अपने रास्ते हैं, कौन सा रास्ता चुना जाए, किस तरह चुना जाए, जो न्याय सुलभ हो, सस्ता हो और तीव्र हो। भारत सरकार द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जो जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, माननीय उच्च न्यायालय स्तर पर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बार बार कहना पड़ता है कि लोक अदालत का क्या महत्व है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने वाद को स्वयं सुलझा लेते हैं, लेकिन इसमें भी किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी तीसरे आयाम की आवश्यकता होती है। क्या फायदा? राष्ट्रीय लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का सुलभ सस्ता न्याय पहुंचाना है और विवादों को इस प्रकार हल करना है कि उनकी कोई आगे अपील ना हो, उस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं। 2-2.5 लाख केसेस निपटारा हो जाना चाहिए, जैसा पिछली बार भी हुआ था, और सबकी कोशिश है, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, जिला न्यायालय की, कि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निपटारण हो, और जितना निपटारण होगा उतना ही समाज में अच्छा सहयोग रहेगा, शांति रहेगी। इसमें मुख्यतः परिवार न्यायालय के केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम और ट्रैफिक चालान्स, सिविल वाद, NIA एक्ट 138 के केसेस, कुछ सिविल अपील्स और छोटे छोटे मामले जो हैं वो लोक अदालत के जरिए निपटाने की कोशिश की जा रही है। क्या इन बातों से निपटने से अदालतों पर कम वजन बढ़ेगा? इस तरह का वजन कम होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मुकदमे हैं वो बढ़ रहे हैं, रोज़ उनकी प्रोपोर्शन बढ़ने का ज़्यादा है, कम होने का कम है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी है कि जो मुकदमे हैं वो कम हो और समाज में विवाद कम हो। इसका क्या कारण? संदेह है कि हम छोटी छोटी बातों पर झगड़े ना करें, आपस में विवाद इकट्ठा ना करें। बहुत छोटे मामले होते हैं फिर भी कोर्ट में जाते हैं और वही मामला कोर्ट से निपटारा हो जाता है, लोक अदालत में निपटारा हो जाता है, तो बेहतर है कि अपने घर बैठकर उससे निपटारा कर लें। सर, इस बार वाद निस्तारण का कितना लक्ष्य रखा गया है? 2-2.5 लाख है।